गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास नाइन्थ का पार्ट फोर वीडियो है और इसमें हम लोग आपके चैप्टर्स बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज नंबर 70 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो मोस्ट कॉमनली हम जानते हैं कि डिवाइस ड्राइवर को हार्डवेयर ड्राइवर भी बोलते हैं और एक ग्रुप ऑफ फाइल या सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके उस डिवाइस को वो चलाने में मदद करता है। जैसे कि अगर प्रिंटर आप लोग इंस्टॉल करते हैं और प्रिंटर का ड्राइवर अगर नहीं डालिएगा तो फिर प्रिंटर काम भी नहीं करेगा। इसी तरह से बहुत सारे डिवाइसेस ड्राइवर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्ड रीडर के लिए, कंट्रोलर के लिए, मॉडेम के लिए, नेटवर्क कार्ड के लिए, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, टैप ड्राइव, यूएसबी डिवाइस, वीडियो कार्ड, ये सारी चीज़ों के लिए हमको अलग अलग पेरिफेरल्स डिवाइसेस के लिए अलग अलग तरीके के डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। और ये डिवाइस ड्राइवर्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं तब हमारा डिवाइस काम करना चालू होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर चले तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है जिसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिंगल एप्लीकेशन एक बार में रन होता है और उस सिंगल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल जो है वो है एमएस डॉस। तो एमएस डॉस कैसे चलता है, उसका इंटरफेस क्या होता है, तो एमएस डॉस का प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि उसका इंटरफेस सीयूआई बेस्ड होता है, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस्ड होता है, जिसमें हम कैरेक्टर टाइप करते हैं, कैरेक्टर ही रिजल्ट मिलता है और उसमें किसी तरह का ग्राफिक्स, आइकॉन, ऑडियो, वीडियो सपोर्टेबल नहीं होता है। तो अगर आप एमएस डॉस को खोलना चाहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मेथड है विंडोज़ आर की प्रेस कर दें, और विंडोज़ आर की प्रेस करेंगे तो उसके बाद सीएमडी टाइप करें। सीएमडी टाइप करने के बाद एंटर मारें, ये जो डॉस खुल गया आपका, ये जो डॉस खुला हुआ है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, और इसमें आप कैरेक्टर ही टाइप करेंगे, जैसे DIR मैंने टाइप किया, उस हिसाब से इसका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ट्री टाइप किया तो ये आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएस डॉस को आप इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो हम लोग चलते हैं आपके अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से। तो सबसे पहला जो हमारा पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देर आर मोर देन वन प्रोसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एक्सिक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द टाइम से एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेस को अगर कंप्यूटर करता है, इसका मतलब है कि वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच द जॉब इज सपोज टू बी कंप्लीटेड, अदरवाइज ह्यूज लॉस ऑफ विल देयर इज, और इवन इफ रिजल्ट इज प्रोड्यूस देन इट विल बी कंप्लीटली यूजलेस। मतलब एक जिस समय, जो समय निर्धारित किया हुआ है कि इतने टाइम में वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट कर जाएगा और उस समय में वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो डेड स्टेटमेंट चला जाता है, एक कि उसका कोई भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी नहीं होता है। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह के प्रोसेस को करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो समय के हिसाब से काम को, जो समय दिया गया, जो डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन में वो काम करता है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ, यानी सिंगल यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके बारे में भी आप लोग जानकारी रख लें कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये डिज़ाइन किया हुआ है
तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक वर्कलोड को शेयर किया जाता है डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स में, मल्टीपल लोकेशंस मान के चलिए इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने डेटा और इंफॉर्मेशंस को शेयर करता है मल्टीपल सर्वर से टू गेट मैक्सिमम इफिशियंसी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हुआ या फिर एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम हुआ, तो ये सब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे यूनिक्स, लिनक्स, डीसी, एक्सोपेन, ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। इसके बाद आपके बुक में दिया है कमांड लाइन इंटरफेस, तो अभी मैंने बताया कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि डॉस, एम एस डॉस। जैसे कि आप एम एस डॉस यहाँ से ओपन करते हैं, सिंपली आप यहाँ पर डॉस भी सर्च कर सकते हैं, तो एम एस डॉस आ ही रहा है। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं कमांड, COMMAND कमांड लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, तो और नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, एसेसरीज में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये जो खुला ये पेज नंबर आप 72 में आप देख सकते हैं, 4.7.1 के नीचे ये कमांड लाइन इंटरफेस हुआ जो अभी एग्जीक्यूट करके मैंने बताया था। उसके बाद कमांड लाइन के इंटरफेस के बाद जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं जिस इंटरफेस पे, उसको हम लोग GUI इंटरफेस बोलते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो मतलब पिक्चर आइकॉन्स सारे कुछ होता है। तो वो हमारा इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस देता है, जिसमें दो टाइप होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड विम्प इंटरफेस यानी कि विंडोज़ आइकन्स, मीनूज एंड पॉइंटर्स। तो इसका मतलब इसमें हमारा माउस काम करेगा, हम किसी पार्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट कर सकते हैं, हमारा आइकन्स होगा उसमें, इसमें मीनूज होंगे जिसमें, ये जो होता है ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड होता है। दूसरा होता है टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन मतलब पोस्ट वैम्प इंटरफेस, जैसे PDA हमारा हो गया, टैबलेट हमारा हो गया, आईपैड जो हो गया, ये सब जो काम करते हैं हम लोग टच करके काम करते हैं, हमारा मोबाइल भी टच स्क्रीन होता है। तो इस तरह के इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि ये GUI भी है और पोस्ट वाइम्प इंटरफेस है, जिसमें आप रोटेटिंग ऑफ स्क्रीन, स्वीपिंग ऑन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल विंडो 10 है, एंड्रॉयड है, iOS है, OS है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका एग्जाम्पल कौन है और इसका टाइप क्या होता है। अब कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो अभी तो हम लोग इंडिया में जो होता है हमारा कॉमनली यूज़ होता है विंडोज़, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इंटरफेस है जो कि मेरे लैपटॉप में आपको शो कर रहा है, जिसमें आइकन्स, पिक्चर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो सब कुछ होता है। और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है और नवंबर 1985 में मतलब इसको लॉन्च किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया था। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो खैर मेरे इसमें नहीं है इंस्टॉल, बट उसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इट इज़ मोस्ट फेमस और फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है और इसका सोर्स कोड भी फ्रीली कैन मतलब कोई भी इसे इजिली इसको यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। और इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो www.linux.org से डाउनलोड करेंगे। अब इंडिया की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, तो इंडिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है बॉस, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है और जिसको भारत में डेवलप किया गया था, तो इंडिया का एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, बॉस है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं उसको बॉस, BOSS। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का।
कुछ और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल जो भी हमारे पास मोबाइल होता है उसको मोबाइल डिवाइस टच स्क्रीन होता है, और उसको चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अलग से ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोस्ट पॉपुलर है एंड्रॉयड, ठीक है, लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है मोबाइल एप्लीकेशन का, और एंड्रॉयड वर्ड रिलीज्ड अंडर अपाची V2 ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है। एक वो दूसरा होता है साइबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे। विंडोज़ फ़ोन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल आयूज है जो आईफोन के लिए आता है, रिम ब्लैकबेरी है जो ब्लैकबेरी जो हमारा मोबाइल होता है उनके लिए आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ब्लैकबेरी जो लेटेस्ट OS है इज़ कॉल्ड QNX विच इज़ सेट टू रिप्लेस द ओल्ड ब्लैकबेरी OS, यानी कि ओल्ड ब्लैकबेरी OS के जगह पर QNX ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता। दूसरी बात, हम बताए थे कि फाइल सिस्टम का भी मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट का मतलब कि फाइल को किस तरीके से रखना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखना है, और उस फाइल को हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये सारी बातें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो फाइल सिस्टम के बारे में समझ जाएंगे। ऐसे फाइल सिस्टम जो होता है उसका आर्किटेक्चर ये होता है कि वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसे हम फाइल को सेव करते हैं तो कहाँ पर जाकर के सेव होगा, उसकी मेमोरी क्या एलोकेशन होगी, और कैसे उसको यूज़र के एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, ये सारा चीज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है, जो फाइल सिस्टम को क्या करता है, फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके भी नोट डाउन, उसको भी आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी टर्म्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस बोला उसको आप अगेन अगेन सुन करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब दो टाइप का, व्हाट इज़ द इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बताएंगे कि GUI है, CUI है, GUI में ये होता है, CUI में मैंने बताया जो वो होगा GUI का, फिर दो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि एक तो GUI बेस्ड WIMP ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पोस्ट WIMP ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में यूनिट 5 पे चलेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया बेसिक। तो इस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।